आगे बढ़ते हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको दिखाने वाले हैं। पिछले ढाई घंटे से आपको बता दें सीबीआई पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के सोर्सेस बता रहे हैं कि अब तक की पूछताछ में एसपी त्यागी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के बिचौलियों के साथ यानी मिडिलमैन के साथ मुलाकात की बात को कबूल कर लिया है और यह भी बताया जा रहा है कि एसपी त्यागी के साथ हश्के और गेरोसा की जो कि मिडिलमैन है बिचौलिए हैं 6 या 7 बार इनकी मुलाकात हुई है। ये मीटिंग्स 2005, 2006, 2007 में हुई हैं। त्यागी के साथ हश्के और गेरोसा की मुलाकात बेंगलोर एप शो और चंडीगढ़ में मौजूद त्यागी के भाई के ऑफिस में हुई है। इसी दौरान एसपी त्यागी वाइस चीफ से एयर चीफ मार्शल भी बन गए थे। ये मीटिंग तब शुरू हुई जब अप्रैल 2004 में अगस्टा वेस्टलैंड का नाम डील के लिए बोली लगाने वालों की लिस्ट से हटा दिया गया था और तब दोनों बिचौलियों को अगस्टा वेस्टलैंड और फिन मैकेनिका ने डील हासिल करने के लिए आगे रखा था। खबर ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इटली, ट्यूनीजिया, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, इजराइल, फिनलैंड इन सभी कंट्रीज को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। ईडी को इन देशों से जवाब का इंतजार है। इंटरपोल ने 3 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इसमें क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, हैशके और गेरोसा इनके नाम है और मिशेल के प्रत्यर्पण की मांग के लिए सीबीआई ने इंटरपोल को भी लिखा है।